साक्षांगतपिवाय स्मृत पुंडरीकाक्षं शायाभ्यां। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनेशन। हिंदू संस्कृति में रीति रिवाजों का खास महत्व होता है और अगर किसी मंगल कार्य की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है, वो भी बिल्कुल सही समय काल और नक्षत्र को देखकर। नक्षत्र के बारे में हमने कई दफ़े सुना है, कई बार आपने कई लोगों के मुंह से ये बात ज़रूर सुनी होगी कि इस वक्त मेरा ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा। दरअसल हर काम को करने का एक सही समय हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है और यही वजह है कि हमारी हिंदू संस्कृति इतनी अद्भुत और खूबसूरत है कि जब किसान अपने खेतों में बीज भी लगाते हैं तो वो भी नक्षत्र के अनुसार। आपको बता दें कि आद्रा नक्षत्र की शुरुआत होते ही किसान अपने खेतों में बीज लगाते हैं और भगवान को याद कर लोक गीत गाया जाता है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार किसान बीज लगा रहे हैं और साथ ही साथ आद्रा नक्षत्र को लेकर जो उनके मन से लोक गीत प्रकट हो रहा है वो बेहद ही अद्भुत और खूबसूरत। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति है, शांति देव शांति है, सामा शांति अधिपतयः समीह सेतो नोयभयं करो सन्महा कृपजाभ्य अभयनक्षवस्थान निर्वदो ओम श्री महागणाधिपति लक्ष्मी नारायण सिद्धता धाम नमो। अब कितना बैठता है पता नहीं आज जो है से आद्रा नक्षत्र में कल सूर्य का प्रवेश हुआ है, जिस कारण से ये अच्छा महत्व माना गया है। इस मुहूर्त में जो हम लोग जो पहिरोपना करते हैं, इसको पचाठ कहते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में, इसका पूजन करने से जो इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, लक्ष्मी नारायण का, कुबेर जी का पूजन किया जाता है, जो धन्य धान से समृद्धि हो, फसल बढ़िया उपजे, इसके लिए पूजन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारी चीज़ है। इसको कर लेने से जो है किसान अपने आप को धन्य मानते हैं, उनके घर में जो है धन धान की वृद्धि होती है, समृद्धि प्राप्त होती है। जय श्री नारायण। आद्रा नक्षत्र के प्रवेश करते ही किसान धान रोपने की शुरुआत में जुट चुके हैं, लेकिन आज वही किसान रोपने के लिए जुटे हैं जिन्होंने रोहिणी नक्षत्र में धान का बीहन डाला था और वह बीहन पुष्ट होकर रोपने के योग्य हो गया है। सदर प्रखंड के पोईवा गांव के संभ्रांत किसान एवं बिहार विभूति के भतीजे तथा पोईवा पंचायत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने आज अपने खेत में पहिरोपना की शुरुआत की। पहिरोपना की शुरुआत के दौरान खेत की क्यारी में भगवान गणेश, भगवान इंद्र, माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा की पूजा विधि विधान इन मंत्रोच्चारण के साथ की गई, ताकि धान रोपने के बाद पैदावार अच्छी हो और किसान के घर अनाज का भंडारण हो। पूजा पाठ के बाद मांगलिक गीतों के साथ रोपनी का कार्य आरंभ हो गया। धान रोपनी की क्रिया को किसान एक त्यौहार की तरह ही मनाते हैं। रोपनी के दौरान किसान के द्वारा अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र एवं पड़ोसियों को जलपान कराया जाता है।
तो ये अद्भुत तस्वीर खेत से सामने आई है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार ईष्ट देव को याद कर इंद्र भगवान अन्नपूर्णा देवी की पूजा कर, माँ लक्ष्मी की पूजा कर किसान धान रोपनी में जुट गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।